नमस्ते। यम जो कि पहला नियम है और इसके अंतर्गत पांच नियम और आते हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा शरीर से, मन से और वचन से, मनसा वाचा कर्मणा, इन तीन स्तर पर हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। शरीर से हिंसा नहीं करनी है, वाणी से हिंसा नहीं करनी है और मन में भी हिंसा नहीं करनी है। किसी का बुरा सोचना, किसी का नुकसान हो जाए यह सोचना भी हिंसा के अंतर्गत आता है। अहिंसा, उसके पश्चात सत्य, अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वचन से पूरी तरह से सत्य का पालन करना। जो पदार्थ, जो विषय जैसा है उसे वैसा ही बतलाना, उसमें कुछ और मिश्रित ना करना, यही सत्य है। इसलिए अपने जीवन में जो सत्य को अपनाता है वो सदा सुखी रहता है। हो सकता है कि उसके जीवन में क्षणिक दुख आ जाए, लेकिन यदि वह सत्य पर अडिग रहता है तो उसका हृदय, उसका साहस, उसका आत्मविश्वास इतना ऊंचा हो जाता है कि जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए वह उसका सामना सरलता से कर जाता है, क्योंकि उसका आत्मसंबल इतना ऊंचा, इतना मजबूत हो जाता है कि उसे कोई अंतर ही नहीं पड़ता है कि उसका नुकसान होगा या भला होगा या बुरा होगा। उसकी दृढ़ता, उसका साहस उसको जीवन में शांति और आनंद महसूस कराता है। अस्तेय, चोरी ना करना। किसी के पदार्थ की चोरी नहीं करनी है, किसी के विचार की चोरी नहीं करनी है, या किसी भी प्रकार से कोई भी चोरी अपने शरीर से और अपने मन से नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जो कि शरीर और मन दोनों ही स्थिति पर इसका पालन किया जाना चाहिए। ब्रह्मचर्य में अद्भुत शक्ति है, अद्भुत बल है। ब्रह्मचर्य स्पष्ट रूप से वीर्य का संग्रह करना, उसे व्यर्थ नष्ट ना जाने देना। जितना संग्रह आप शरीर के भीतर करेंगे, शरीर में उतना ही ओज, उतना ही तेज और उतना ही बल बना रहेगा। आपकी बुद्धि तीव्र होगी, बुद्धि में शार्पनेस, एक तीव्रता होगी और मन में स्थिरता ब्रह्मचर्य के पालन करने से अत्यधिक आती है। और अपरिग्रह, आपको अपने जीवन में जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है उतनी ही रखें, अधिक का संग्रह करना भी योग की दृष्टि से उचित नहीं है। जितना आपको चाहिए, चाहे वो भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे घर हो, चाहे धन हो, चाहे कुछ भी हो, जितनी आपकी और आपके परिवार की आवश्यकता है उतना ही आपको संग्रह करना चाहिए। यह पांचों नियम यम के अंतर्गत आते हैं। नमस्ते।